अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बाइस चोरी, डकैती और राहजानी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ लोग ना चाहते हुए भी ऐसी वारदातें करने पर मजबूर हैं। हम बात करेंगे चोरी, डकैती और राहजानी पर। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से जनाब एडवोकेट चौधरी नज़ीर अहमद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। चोरी साहब, मेरा आपसे ही पहला सवाल है, मुझे ये बताएं कि चोरी, डकैती और राहजानी में क्या फ़र्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो हम ये समझें जी चोरी होती क्या है। किसी शख्स के की मनकूला जायदाद जो उसकी मर्जी से, मर्जी के बगैर कोई लेके चला जाए उसको हम चोरी कहते हैं। और ये है कोई ऐसी चीज जो जमीन के साथ अटैच है, मिसाल के तौर पर कोई दरख्त है, तो दरख्त जब तक उसके साथ जमीन के साथ अटैच है उसकी चोरी नहीं हो सकती। अगर दरख्त को काट लिया जाए, बेशक ले ना जब जाए तो ये चोरी में आ जाएगा। ये है चोरी। चोरी के बाद एक और लफ्ज है चोरी से मिलता जुलता, उसको एक्सट्रैक्शन हम कहते हैं। वो है कि जब बंदा सामने खड़ा है और उसके ऊपर आप उसको इस तरह डरा धमका के उससे कोई चीज ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं, कोई दस्तखत करवा लेते हैं, या उसको डराते हैं या उसके किसी अजीज को उस इस तरह का प्रेशर डालते हैं कि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो मजबूर होकर खुद अपने आप कोई चीज दे देता है। ये एक्सट्रैक्शन है। ये दोनों थेफ्ट और एक्सट्रैक्शन ये चोरी की ही किस्में हैं। अब आगे आ जाती है राहजनी। राहजनी चोरी और एक्सट्रैक्शन उसमें मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जब आप किसी को प्रिपेयर करके आप चले जाते हैं और आपके पास पिस्टल है या कोई आपके पास राइफल है या आपके साथी हैं दो और किसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसको पूरी ये खतर, पूरा ये उसको खदशा है कि ये या मुझे मार देगा या मुझे कोई ऐसा जख्म देगा जो शदीद गहरा हो जाएगा, तो इसको वो आपको कुछ नहीं कहता और आप चोरी करके लेके निकल जाते हैं। ये इसको कहते हैं जी इसको अपना रबरी, राजनी जिसको आप कहते हैं। और आगे आ जाती है डकैती। डकैती और राजनी में फर्क सिर्फ इतना है कि डकैती तब बनती है जब पांच अफराद या पांच से ज्यादा लोग वो करते हैं। राजनी में ज्यादा सख्त वो है सजा उसकी कि जब राजनी किसी हाईवे पे आप करते हैं और सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज तलू होने के बाद, तो उसकी सजा उम्र कैद है। और ये डकैती और राहजनी में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें पांच अफराद होते हैं, उसमें अफराद की कोई नहीं कैद, पांच से कम अफराद होते हैं, या पांच हूं या पांच से ज्यादा, तो फिर ये डकैती बन जाती है। चोरी साहब, मुझे ये बताएं कि चोरी का माल किसी से बरामद हो लेकिन वह खुद चोर ना हो तो क्या वो भी शामिल एशरी का जुर्म होगा? जी, उस पर दफा है 411। ठीक है, 411 में जिससे माल बरामद, लेकिन उसमें शर्त एक है कि उसने दानिस्ता चोरी का माल लिया हो, तो फिर वो मुजरम है। अगर उसको ये नहीं पता कि ये जो माल मैंने किसी से लिया है ये चोरी का था, तो फिर वो चोर नहीं है, उसमें शरीक जुर्म नहीं है, शरीक जुर्म नहीं है। अच्छा, चोरी, डकैती और राहजानी की ये जो है सजाएं, इसके मुतालिक कुछ बताएं। जी हाँ, ये चोरी जो सिंपल चोरी है मैंने जो पहले बताई थी, तो उसमें 3 साल सजा है, कुछ जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी ये इकट्ठे हो सकते हैं। और जब राहजानी में आ जाएंगे तो आप उसमें 7 साल सजा है, फिर एक कंडीशन है कि उसमें 10 साल सजा है, और अगर हाईवे पे आपने कर ली है तो फिर उस पर वो 10 साल सजा है। और उस के दौरान अगर राहजनी के दौरान आपने किसी की डेथ काज कर दी है तो फिर उसको आपको भी डेथ पेनल वो मिलेगी। और अगर किसी को आपने जाके कोई जख्म इस तरह के पहुंचाए हैं, ये करता तो मोमन चोर वो इसीलिए है ना, या माल उठा के ले जाएगा या उसे खदशा हो कि मुझे कोई पकड़ लेगा, मैंने भागना है, तो ये सारे उसके दौरान ही होते हैं। और उसकी ग्रेविटी के मुताबिक मुख्तलिफ सजाएं हैं, 3 साल है, जुर्माना है, और दोनों भी हो सकती हैं, फिर 7 साल है, फिर एक में 10 साल है, फिर एक में डेथ है, लाइफ भी है, ये भी ये हो सकती हैं, और कम से कम इसमें 4 साल सजाए और ज्यादा से ज्यादा 10 साल, मतलब कि एक ये है। और अगर इसमें आपने कोई डेथ का किसी की काज कर दी तो फिर डेथ सेंटेंस है। सही, जब एक से ज्यादा चोर हो और एक चोरी करे और दूसरा ना करे तो क्या दूसरे पर भी कॉमन इंटेंशन का कानून लागू होगा? जी बिल्कुल, अगर वो एग्जैक्टली चोरी करने के लिए घर से गए हैं, किसी की कोई ड्यूटी है, कोई पैरा दे रहा है, कोई पिस्टल पकड़ के किसी के सर पे खड़ा है, कोई सामान जो है वो समेट रहा है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और सबकी एक ही सजा है, सारे शरीके जुर्म है, सबकी एक सजा है।
जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।